अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं बास्केट चाट यानी कि लच्छा कटोरी। यहाँ पे लच्छा कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं और इनको हमने छील लिया है। और इन आलूओं को अच्छे से छीलने के बाद हम महीन ग्रेटर से इन्हें ग्रेट कर लेंगे। और जब इन्हें ग्रेट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि जो इनका स्टार्च है वो निकल जाए। और इन आलू के लच्छों को धोने के बाद हम इन्हें पानी से अलग कर लेंगे। और इसके बाद हम इन्हें एक अलग बाउल में निकालेंगे। और हमने दो बड़े साइज के आलू लिए थे, इस हिसाब से हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, आप चाहे तो फूड कलर की जगह इसमें हल्दी का यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये बड़े साइज की छन्नी ली है जिस पे हमने तेल लगा लिया था। आपको जिस साइज की बास्केट बनानी हो आप उस साइज की छन्नी ले सकते हैं। इसके बाद इन लच्छों को इस तरह से इसमें डाल के इसकी शेप में प्रेस कर दीजिए। आपको इसे अच्छे से प्रेस करना है क्योंकि हम इसे एक ही छन्नी की मदद से बनाएंगे, हम इसमें 2 छन्नी यूज नहीं करेंगे। और आखिर में आप देखेंगे कितनी आसानी से एक ही छन्नी की मदद से बन गया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने तेल लिया है और इस तेल को हमने गरम कर लिया है, लेकिन जब हम इसमें छन्नी डालेंगे तब हम आंच को धीमा कर लेंगे। और आपका जब ये लगे कि एक तरफ से फ्राई हो गई है तब आप इसे घुमा घुमा कर काफ़ी तरफ से फ्राई कर लीजिए और ये खुद ब खुद इस छन्नी से अलग हो जाएगी। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में भी बनी है। अब यहाँ पे हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें आलू की टिक्की ऐड करी है और फिर हमने इसमें दही बड़ा ऐड किया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर से खस्ता तोड़ के डाली है और इसके बाद हम इसमें दही और मीठी चटनी ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद आप इस पर मीठी चटनी ऐड कीजिए और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।